हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मैं आपका दोस्त संकेत और आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल लर्न मोड एंड गेन मोड में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो काफ़ी सर्च करने के बाद ही मैं आप तक लाता हूँ, ताकि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वे जान सके कि वे कॉलेज कैसा है। तो फ्रेंड्स, आई स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज की ओपनिंग की, जो थी 1995 में हुई थी, एक हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो थी इसकी ओपनिंग की गई थी। फिर उसके बाद जो था इसमें यूजी और पीजी के कोर्सेज जो है चलाए जाने लगे। फ्रेंड्स, ये सिटी से जो है 4 किलोमीटर की दूरी पर है मेन सिटी से। फ्रेंड्स, इसका जो कैंपस है वे काफ़ी ग्रीनरी और इस कैंपस में काफ़ी रिच है। इस कॉलेज में जो है मेन कोर्सेज हैं बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए जैसे कोर्सेज जो है कराए जाते हैं। तो फ्रेंड, इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में हम लोग जो है ब्रीफ में देखते हैं। चलिए आए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है हम लोग प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 2016 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जे 2016 में 5 अगस्त को यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ था। जे एक कंपनी आई थी ITC, उन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कैंपस इन्होंने प्लेसमेंट दिखा दिया हुआ है, ऑफ कैंपस कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। जी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। इनको बेसिकली ऑन कैंपस दिखाना चाहिए था, ठीक है। 2013 में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये है 2017 में, ठीक है। ये कंपनी आई थी कैंपस ड्राइव, मतलब ये है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। इन्होंने कोई मतलब डाटा पर्टिकुलर नहीं दिया है कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्होंने मतलब बच्चों की लिस्ट दे दी है। अब कि बच्चों की लिस्ट है तो उसमें कैसे पता करें कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 2017 का प्लेसमेंट है, ठीक है। ये हो गया ना, ये देख लीजिए। उसके ऑन कैंपस जितनी भी कंपनी अभी तक आपको दिख रही हैं, ये है ऑन कैंपस, ठीक है। जैसे CSE का है, ठीक है, MCA का भी है, मतलब ठीक, CSE, ECE, ठीक है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, सब इसकी ऑफ कैंपस यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे लेटेस्ट कैंपस प्लेसमेंट की, जो है 2018 और 2019 का, ठीक है। तो ये है प्लेसमेंट 2019 का, ठीक है। ये कंपनियां ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस है, ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 18, 19, मतलब आप कोई मिला के देख सकते हैं कि एक प्रकार से बोले तो 50-60 बच्चों का प्लेसमेंट एक साल में हो रहा है केवल इस कॉलेज में, ठीक है। ये प्लेसमेंट आ जाता है हमारा 2020 का, ठीक है। 2020 में देखिए कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है, आप गिनिएगा, ठीक है ना, काउंट करिएगा। 1, 2, ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे, ये ऑन कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो प्लेसमेंट है 22 बच्चों का, 22 29 हो गया, और उसके बाद जो है 33 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ 2020 में केवल 33। उसके बाद ये ऑफ कैंपस है तो कॉलेज को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, पर इन्होंने ऑफ कैंपस दे दिया है। यहाँ पे 2 और मिलके मतलब 34, ठीक है ना, 33 बच्चों का प्लेसमेंट मान लीजिए बस कॉलेज में हुआ है, चलिए प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं इनका जो एक डाटा दिया हुआ है, मतलब कि स्टैटिक्स दी हुई है, तो भाई इसको भी देख लेते हैं। तो मतलब इन्होंने दिखाया 2014-15 इनका प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे हाइस्ट पैकेज इनका गया है 2018-19 में, ठीक है। 2019-20 में घट गया, मतलब हमने देखा अभी काउंट किया था हमने, तो 2019-20 में इनका जो प्लेसमेंट का रेशियो आ रहा था वो केवल 33 बच्चों का आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया सबसे अधिक जो यहाँ पर प्लेसमेंट हो रहे हैं वो ECE ब्रांच के हो रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने बच्चों का हाई पैकेज जा रहा है, कितने बच्चों का लो पैकेज है, उसके बारे में हम लोग भी और पता करते हैं, ठीक है। लो, तो फ्रेंड्स, बहुत ही सर्च करने के बाद एक बात पता चली है कि इनके मतलब जो प्लेसमेंट्स है उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मतलब कि ये देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट हो रहा है वो
3.25 लाख का हो रहा है, ठीक है। और ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट हो रहे हैं वो 2.40 के जो है प्लेसमेंट हो रहे हैं जी, इनके जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है हाईएस्ट। अब आप सोच सकते हैं कितनी बुरी हालत है यहाँ पर प्लेसमेंट्स की, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सबसे कि कहाँ का इसका फीस कैसे, फीस के स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे MSc का है, MCA का है, ठीक है। अपना तो है BTech, ठीक है। BTech की यहाँ पे फीस जो है ये है एडमिशन डेवलपमेंट फीस है। और यहाँ पे देखिए BTech की जो ट्यूशन फीस है 33,000 टोटल मिला के आपका पड़ रहा है 61,050 रुपीज़, मतलब कि काफ़ी सस्ता कह सकते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। इतना तो किसी भी कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी जी आपसे क्वेश्चन मनी सब लेते हैं, ये सब तो आपको लग देनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में, उसको सेकंड ईयर से नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। हॉस्टल के बारे में कोई भी जानकारी देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती है। जहाँ तक मुझे पता है कि हॉस्टल की जानकारी, इनकी फ़ीस जो है 20 से 25 हज़ार के बीच में इनकी जो होती है हॉस्टल की फ़ीस, एक साल की होती है। और आपको मेस का जो है अलग से चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, जो कि इनकी हॉस्टल के बारे में। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में, मुझे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे तो कोई भी जानकारी जो है नहीं मिली ना भी कहीं पे मैंने सर्च किया, तो मुझे कट ऑफ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। पर आप इनकी कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इनकी CS ब्रांच छोड़ के, या फिर ये बोल सकते हैं कि CS में भी एक दो सीट और बाकी ब्रांच में इनकी बहुत ज़्यादा जो सीटें हैं वो खाली रह जाती है। मतलब कोई भी बच्चे यहाँ पे वैकेंट रहते हैं, मतलब कोई बच्चा है वो एडमिशन नहीं लेता है, मतलब एडमिशन क्या हरियाणा के लिए कोई अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी एडमिशन लेंगे तो आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, अगर आपको एडमिशन में कोई दिक्कत होती है आप हमें मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। ये होगा इनके, और इनका जो फेस्ट है कल्चरल फेस्ट होता है, मतलब ये फेस्ट पर्टिकुलर कराते रहते हैं, फेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, फेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कॉलेज कैसा लगा इसके बारे में जो थी हमने पूरी जानकारियाँ दे दी आपको, इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स कट ऑफ के बारे में हमने सब कुछ बता दिया। इसके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ हैं जो हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे दे दी है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अगर आप कोई हमें कॉलेज सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपको इस कॉलेज के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज लर्न एंड गेम को फॉलो करिए और वहाँ पर हमें बताइएगा, तो हम आपका वहाँ पर रिप्लाई भी करेंगे और आपके कॉलेज के बाद के सजेशन के तो ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके वीडियो के लास्ट में हमने एक कुछ कॉलेज की वीडियो क्लिप दी है, तो आप वहाँ पे जाके इसको जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।